लेकिन जब ऑडियंस के बीच आप बैठते हैं तो रिस्पांस जो आता है वो कैसा लग रहा है? अक्सर मैंने देखा है कि कोई भी फिल्म चलती है तो लोग हल्ला बहुत करते हैं और मस्ती बहुत करते हैं, कमेंट्स बहुत करते हैं, पर इस फिल्म में देखा गया कि लोग बहुत शांति से फिल्म को देख रहे थे। और ये फिल्म है छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी फिल्म आई है जो मामा भांजे के ऊपर आधारित है। जो प्यार हमेशा हम लव स्टोरी देखते हैं, पर इस फिल्म में मामा भांजे का जो प्यार दिखाया है वो आप लोग समझ सकते हैं, और मामा और भांजा और वो चंदा मामा हमारे लिए कितने ज़रूरी है। तो एक्शन स्टार दिलेश जी के साथ एक्टिंग का क्या अनुभव रहा, कैसी केमिस्ट्री बैठी? बताऊंगी, दिलेश और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं और दिलेश बहुत सपोर्टिव है, और दिलेश की एक्टिंग आप सारी फिल्मों में देखते हैं। हाँ, इसमें उसका कमाल है ना, इसमें कमाल का है, और उसके एक्शन सीन तो कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं था, मैं पहली बार देख रही हूँ, और मैं उससे कुछ ना कुछ सीखती हूँ कि वो कितने सिंसियरली काम करता है और मुझे समझाता भी है। फिल्म की शूटिंग से लेके अभी तक क्या कुछ जर्नी को छोटे से अगर आप डिफाइन करना चाहें? जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रहती है सबके लिए, है ना। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, आज जो इतनी बड़ी फिल्म में काम कर रही हूँ मैं, मेरे मित्र दीपक बंजारे के थ्रू मैं इंडस्ट्री में आई। मैंने पहला एल्बम मनोजीत सर के साथ किया, उसके बाद बहुत काम किए, और फिर आज मैं 3 साल बाद कंटिन्यू काम करने के बाद NMI फिल्म प्रोडक्शन में इतने बड़े फिल्म का मैंने काम किया, और इसके लिए सभी को धन्यवाद देती हूँ और मोहित साहू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल ऑडियंस को अपील छोटा सा? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि चंदा मामा एक ऐसी फिल्म है जो आपने देखी नहीं होगी, एक मामा भांजे पर आधारित फिल्म है। मैं चाहूँगी तहे दिल से आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और अपना नया दुलार आशीर्वाद और प्यार दीजिए। जय जोहार, जय जोहार। तो जीत शर्मा जी हमारे बीच हैं, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऑडियंस के बीच बैठे थे, विलन फिर से एक बार आप बन के आए हो, ये वाला फेस कैसे एंजॉय कर रहे हो? बहुत शानदार, मैं एंजॉय कर रहा था यहाँ पे। तो पहले तो जीत शर्मा की तरफ से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज हमारे फिल्म लग गए हैं चंदा मामा, और चंदा मामा में फिर मैं एक अलग विलन के रोल कर रहा था, जैसे अभी तक देख के आए हो। तो ए मामा मैं भोजपुरी विलन के रोल कर रहा था, और बहुत शानदार पल रही से जटका मैं शूट कर रहा हूँ, और आज फिल्म लगे हैं। अब फिल्म लगे हैं, वो ऑडियंस आए हैं, अब कहा अभी तक तो शानदार लगे थे यहाँ, मतलब ऑडियंस की भीड़ देखे थे, मगर अब कहा हुई कहा नहीं हुई वो आगे जाके हमन ना पता चली। हमन तो पूरा मेहनत करे, दिलेश करे, सबो जन करे, पूरा यूनिट मेहनत करे, और आज वो फिल्म लग चुके। अब फिल्म आप मन के हाथ में है, जटका भाई आप माया दुलार दू फिल्म का ब्लॉकबस्टर हिट करूँ भाई, बहुत मेहनत से बहुत अच्छा फिल्म बने। तो आप मन से मैं निवेदन करता हूँ कि आप मन आ करके जरूर देखूँ प्रभात टाकीज माँ, और आप मन के नज़दीकी सिनेमा घर माँ लग गए चंदा मामा, तो आप मन जरूर देखूँ। सर भोजपुरी में आप मन बोले हो तो क्या कुछ प्रैक्टिस ट्रेनिंग? नहीं नहीं, अब डायरेक्टर साहब की चॉइस रही से कि भोजपुरी बोलना है, और मैं पहले एक आध दो भोजपुरी में कर चुके हूँ, और उसके बाद अभी मैं एक और भोजपुरी भाई करके आया हूँ निरोवा जी के साथ। तो अभी भोजपुरी में और छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है भाषा में, थोड़ा बहुत शब्दों के फ़र्क आते हैं वहाँ, तो मज़ा आ गया भोजपुरी कैरेक्टर करके, बहुत शानदार मज़ा आई सी है वहाँ। और विलन एक अलग धोती की स्टाइल भी से और कुर्ता की स्टाइल भी से, एक से पहले अलग अलग लुक में आ रहे हो, तो एक शानदार अनुभव है। सर ये पीछे पोस्टर में दिलेश साहू जी के हाथ में जो बच्चा है वो आपके है रे? हाँ। तो कहा कुछ पहले से बात हो रही थी कि करना है? नहीं वैसे कहा है, जब स्टोरी लिख रही से तो मैं कहानी जब आ रही से तो डायरेक्टर साहब जो अभिषेक सिंह है वो मोर गुड़िया उस समय 5-6 महीने के रही से, तो 5-6 महीने के रही में तो भैया देखी थी कि मैं जो स्टोरी लिखा था ना तो सेम वो किरदार ना यही दिखा था, और वैसे दिलेश जैसे लगी कि हाँ भाई भाचा है वो, तो है लड़की मगर वो करे भाचा का रोल है और लगते वो भाचा जैसे। तो आज ओला मैं स्क्रीन में अपना आपला तो बहुत देखे हूँ, मगर आज अपन गुड़ियाला देखे हूँ तो बहुत मोला मज़ा आई सी, बहुत शानदार पल रही से। और एक और गुड़िया है मोर, मतलब ये तो छोटी वाले रही से, एक मंजली वाले है जो अंजलि ठाकुर के बचपन का कैरेक्टर करे है, जो दिलेश की बहनी के कैरेक्टर करे, वो भी मोर गुड़िया। तो दोनों गुड़िया के मोर एक फिल्म से डेब्यू हुए हैं, और मैं भी साथ में हूँ, तो एक से बड़ा कुछ घर के बात नहीं है। और ये सब मोहित भाई के आशीर्वाद है, अभिषेक भाई के साथ है, सबकी दुआएं हैं, जो आज मोर पूरा परिवार आ गया है। ओबा मैं मोर वाइफ भी कैरेक्टर करे है, जो टीचर के जो कैरेक्टर करे, तो मतलब पूरा परिवार हम एक साथ आ गए। सर हमारी टीम की तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिकिति जी अभी पिक्चर देख के निकल रहे हो, चंदा मामा का कुछ लगी से आप मतलब पिक्चर के बारे में? मैं कहा बोलो, मैं अभी बताया हूँ कि जैसे और दूसरा इंटरव्यू में बोलूँ मैं स्पीचलेस हूँ। हाँ, पिक्चर बहुत खूबसूरत है, ये पिक्चर मैं बोलूँ कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के जो दाई बहनी मन है उगर बन बन एकदम दिल खोल के उमन ला एक बार में पसंद आई है। मैं 100% श्योर हूँ कावर की पिक्चर देखा देखकर मोर आँख से आंसू निकल के, मैं खुद एक कलाकार हूँ, मुझे भी पता है कि कैसे शूटिंग होते हैं, लेकिन पिक्चर के जो भावनाएं हैं जिस तरीके से दर्शाए गए हैं, एक भाई बहनी के प्यार, एक मामा भाचा के प्यार, और एक ऐसे लड़का जेकर सिर्फ जीवन में दुख चला था, बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल के पेन वो
ओखर बाद भी वो लड़का संघर्ष करत करत अपन भाषा के प्रति ओखर माया बहुत प्यारा लगे मतलब हर चीज़ बहुत अच्छा तो जो बालक है भाषा के किरदार निभा एक्टिंग के बहुत तारीफ बहुत है आप मतलब मोला सच्ची बताऊँ तो बहुत प्यारा लगी से वो बड़े हुए की किरदार जब वो करी से ओकर एक्टर ला प्ले करी से ओखर से दिलेश जैन करेक्टर सत्य का करेक्टर करे जो ओखर करेक्टर भी बिल्डअप हुआ थे तो दोनों के अपन बॉन्डिंग देखूँ दिलेश के और जो अंश के ओकर बॉन्डिंग देखूँ तो वो दोनों जन मिल के मामा भाचा के जो जोड़ी है वो ला और स्ट्रॉन्ग बनाए हैं तभी तो बने ओखर मन के कास्टिंग हुए है फिल्म माँ चंदा माँ फिल्म के एक गाना में आपके भी कैमियो है जी वो गाना स्क्रीन में है कि नहीं है एंड मैं ही ना आप मन ला एंड मैं महू हाँ दिखूँ अगर पेशेंस होना गाना हाँ आप मन पेशेंस रखो तो एंड मैं महू दिखूँ तो ओवरऑल में आपके कौन से फेवरेट गाना रही से म्यूजिक के 8 गाना है करीबन हाँ तो आपके कौन से फेवरेट मोर फेवरेट गाना तो लोरी गीत है जिन मामा गोदी में सुलाद सुलाद गाते तो मोला वो गाना बहुत अच्छा लगे मैं पहली बार देखा पजामा बहुत अच्छा लगा तो फाइनल ऑडियंस लगा मैसेज कर बस अपील करूँ कि आप मन बोलते हो कंटेंट आप मन चेंज नहीं करो हो गया बहुत लव स्टोरी ये वो तो देखो अब लव स्टोरी में थोड़ा सा चेंज है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉलेज लाइफ ला छोड़ के अब पहली बार छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में मामा भाचा के प्यार दर्शाए गए हैं और अगर यही संस्कृति जो अत का साल से हमन बोलते हैं ना कि राम जी हमारे यहाँ के भाचा है इसलिए राम के रूप स्वरूप हमन अपन भाचा ला प्रणाम करते हैं पूछते हैं तो आप मन ही ये फिल्म ला सुपर डुपर हिट बना सका तो आप ही मन के माया दुलारे ला सुपर डुपर हिट बनाइए और एक से सब जन ला मैसेज भी जाही कि हाँ अमन ये सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट में भी पिक्चर बना सका था ना वो आप मन हिट करो माता रानी जी के दर्शन आपका पिक्चर के अंदर में हो ही एक कारण ये पिक्चर बहुत जबरदस्त स्टोरी लेके आप लोगों के बीच में गाना वाना किसे लगी बात करी थी गाना वाना बहुत ज़्यादा हिट गाना तो दिल छूने वाला है पूरा मन लुभाने वाले गाना है और गाना अगर सुन के आप सब जन झूम जाओ बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सामने में और के ऊपर में एक गाना बने हैं जो लोरी है वो आप सब अच्छा आप मन कौन कौन देखे आप